ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। कहाँ पे बोली थी इसने कि भाई, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो भाई साहब। हिमाचली सेब फ्रेश एप्पल। तो भाई साहब, हम ब्लॉगर्स ना पहाड़ दो बार चढ़ते हैं। तो हाँ भैया जी, वंस अगेन हेलो, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय हमजा मुर्तजा, स्वागत करता है आप सभी का अपने YouTube के दुकान पे। और आज है डे टू हमारा हिमाचल प्रदेश में। आजाद भाई क्या कर रहे हैं बताइए? आजाद भाई पहाड़ में भी मैकडी से ऑर्डर मंगा ले रहे, बहुत बड़ा कर हम लोग कल लेके आए थे। एनीवे, तो आज सुबह हो गया, काफी लेट हो गया भाई। मैं टाइम दिखाऊं आपको तो 10:30 हो रहा है, 10:30 हो चुका है भाई। और हम लोग मतलब आज लेट उठे हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिए हैं। फाइनली वी आर रेडी एंड इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस एंड दिस रिजॉर्ट। तो भाई साहब, उससे पहले मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं। तो दिस इज द तीर्थन वैली एंड ये जो रिजॉर्ट है इसका नाम है द तीर्थन रिजॉर्ट, द तीर्थन कैंप, जो भी आप कह ले। तो एक्चुअल में ये जो जगह है ये पूरा देख रहे हो आप पहाड़ों के बीच में है। तो एक ये वैली है और ये एक हिडन प्लेस है, ठीक है। तो ये जो जगह है, अगर आप कुल्लू आते हो, मनाली आते हो, कुल्लू आते हो तो कुल्लू से ये 40 किलोमीटर है, मतलब एक डेढ़ घंटे का रास्ता है। आप अगर हिमाचल प्रदेश से मंदी आते हो, मंदी से भी ये एक 40 से 50 मिनट का रास्ता है। तो मैं आप सबसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से आप आए। आजाद भाई वहाँ रेडी हो गए, वफा भाई भी रेडी हो, सब लोग रेडी है। अब हमें यहाँ से मूव करना है। तो देखो भाई, ऐसा नहीं कि इस जगह पे आप दोस्तों के साथ आ सकते हो, इस जगह पे आप फैमिली के साथ आ सकते हो। अगर आप कपल हो तो भी आप आ सकते हो, मतलब प्राइवेसी बहुत सही है यहाँ पे, हर चीज की सिक्योरिटी है बहुत सही तरीके से, यहाँ पे सर्विस भी बहुत अच्छा है। खाना वाने जो सीन है, किचन इज ऑल योर्स, आपको जो मन में आए बनाओ, बट यहाँ पे सर्विस भी अवेलेबल है, खाना वाना बना के भी ये लोग देते हैं, बट अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। ये भैया है जो हमें कंटिन्यू हेल्प कर रहे हैं। तो भैया कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई जो है हम लोग को कल से मतलब बहुत अच्छे सर्विस कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। तो मैं आप लोग से यही रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कुल्लू आते हो तो यहाँ एक बार जरूर आओ, है ना। ये मतलब एक हिडन प्लेस है एक जगह से, एकदम रिवर वाली व्यू, मतलब रात भर जो मैं रूम में सोया हूँ ना भाई, तो रात भर वो आवाज जो पानी आ रही थी ऐसा लग रहा था कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो चलिए फिर हम लोग जरूर फिर आएंगे, फिर मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी वफा भाई। हेलो। तो अब हमें कहाँ जाना? हाँ वो मैंने रूम टूर अपने डे वन में ही दिखा दिया था, दिखा दिया ना। जिसने भी डे वन वाला ब्लॉग नहीं देखा है जाके देख लेना, सर रिवर साइड में नहीं मिलेगा। हाँ ये इतना बिल्कुल जबरदस्त तरीके का वेल फर्निश्ड कैंप कहेंगे इसको हम। रूम भी है उधर अटैच्ड वॉशरूम के साथ। एक्चुअल में अगर आपको रिवर साइड का कैंप करना है तो पूरा कैंप का सिस्टम सामान लेके जाना पड़ता है ना, बट ये एग्जैक्ट ठीक रिवर के किनारे में आपको भैया कैंप वैम्प बना हुआ मिल जा रहा है। अभी हम लोग कहाँ निकल रहे हैं भाई? हम जीबी की तरफ जा रहे हैं। जीबी, हाँ, जो हमारा दूसरा लोकेशन है, वाटरफॉल है ना वहाँ, वाटरफॉल और बहुत जबरदस्त वहाँ पे व्यू है, इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर मिलेगा। तो देखिए चलिए, ये बड़ा सही लगता है यार पहाड़ों में। मैंने भी ट्राई किया था फोटोज वीडियोस के लिए, आपने सिनेमैटिक में देखा होगा। और लिटरली वफा भाई ये कुछ ज्यादा ही सस्ता नहीं है? ये बहुत सस्ता है, एकदम अफोर्डेबल, मतलब ना महंगा कह लो एकदम, मतलब। लेकिन भाई जो भी पैसे लगे ना, पैसा वसूल जगह है ये। व्यू, सारे पैसे तो बस इस व्यू के हैं। पूरा हिमाचल देखें आप हमारे नजरों से और हमारे कैमरे की नजरों से। हाँ, पूरा हिमाचल और जहाँ जहाँ हम जाते हैं सिर्फ आपके लिए जाते बस हैं। बस भैया देखो, हम तो है ठहरे कंटेंट क्रिएटर, तो हमें घूमना पड़ता है बस आप लोगों के लिए, और हमें भी मजा आता है भाई घूमने में, लिटरली किसे नहीं मजा आता है। तो भैया जी फाइनली इट्स टाइम टू लीव दिस लोकेशन एंड लीव दिस रिसोर्ट, बट लिटरली मैं बताऊँ तो थोड़ा सा भी मन नहीं कर रहा है भाई इस जगह से जाने का, क्योंकि इतना प्यारा जगह भाई, बट क्या करेगा आपका भाई हमजा जो है वो ट्रैवलर है, ब्लॉगर, एक्सप्लोरर है, तो आप लोगों के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। अगर एक जगह पे दिल लगा ले तो कैसे होगा, है ना, फिर नई जगह कैसे घुमा पाएगा आपका हमजा। तो चलते हैं दुख दर्द के साथ यहाँ से, बाय रहेगा भाई तुम लोगों को, बहुत मजा आया, आप लोग भी मजा आ रहा है ना, अभी अगली जगह पे और ज्यादा मजा आएगा। चलो जनवरी में आएंगे। बात फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कोई ऐसा ट्रैवल बैग स्पॉन्सर कर दो। अच्छा लग रहा है दोबारा भाई, तो भाई भाई उठा के जा रहा है, हालत खराब हो रहा है लिटरली। तो हाँ भाई साहब, फाइनली हम लोग यहाँ से निकल ले, जाने का तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा है भैया, एकदम 5 बार बाय बाय कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी पता है मिशन क्या है भाई? ये सामान वामान लेके वहाँ ऊपर जाना है। गाड़ी कहाँ पार्क है? ओ तेरी, ओ भाई साहब देख रहे हो, चौहान देख रहे हो, ये देखो भाई, अभी तो वहाँ जाना है, गाड़ी वहाँ पार्क है। अरे
अभी नीचे जाता था, अभी नीचे जाता था। दौड़ लो। तो भाई साहब नॉर्मल पहाड़ चढ़ना उतरना तो मुश्किल है, हम व्लॉगर्स ना दो बार पहाड़ चढ़ते हैं और दो बार उतरते हैं। तो भाई साहब हम व्लॉगर्स ना पहाड़ दो बार चढ़ते और उतरते हैं, नहीं हो भाई अभी वाला एक्सपीरियंस ले रहा। एक तो ऐसे ही चढ़ना उतरना हार्ड होता है, ये देखो बंदा गया था वहाँ कैमरा रख के आया, फिर अभी हम लोग नीचे जाएंगे। सो कैमरा तो उठा लेते हैं, आसान भाषा में बोले तो फट जाते। क्या फट गई ब्रो? क्या फट गई ब्रो? ये तो बस जंगलों में घुसा हुआ है ये। हम कुछ और कंटेंट ब्रो, कंटेंट हम ले लेंगे भाई। तो भाई यार हम लोग व्लॉगिंग करने में आ गए। आजाद भाई, आजाद देखो देखो वहाँ पहुंच चुके हैं। हाँ किधर? वाह आप ऐसे घूमेंगे क्या? मैं यहीं से चढ़ जाऊंगा। अरे भाई यहाँ से नहीं चढ़ पाएंगे, घूम ही आना पड़ेगा। आजा भाई। ओ भाई एक तो इतना दूर से चढ़ते हुए आगे, अब यहाँ जाना कैसे आएंगे? अरे बाप रे चढ़ाओ देखो। ओ ये बहुत टफ है। ये ट्रॉली ना भाई, कभी पहाड़ में आओ तो ट्रॉली लेके मत आओ, है ना बाबा भाई? ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। कहाँ पे बोल रहे थे स्नेक है क्या है? अच्छा अरे ये मेरा ट्रॉली तो ले लो। ओए 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 आ गए, चलो चलो जी वहां से आ रहे भाई। हाँ जी भाई फाइनली आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ ट्रिक हम लोग रोड पे आ गए शॉर्टकट मार के। अरे अरे गिरिंग। सो भाइयों हम लोग वहाँ नीचे से ऊपर आ गए और ये रहा बोट द तीर्थन कैंप्स अ डे इन द लैप ऑफ नेचर मैंगलोर। एक्चुअली जो गांव का नाम है तीर्थन वैली में आता है। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी आप उठा लो ठीक है। भैया जी फाइनली हम लोग जिप भी तो पहुंच गए हैं, बट वी आर इन सर्च ऑफ वाटरफॉल, मिल नहीं रहा एक्चुअल में हमें। यहाँ भी एक वाटरफॉल कर रहा है देखो यहाँ से, बस आवाज सुन रहे हो पानी का? हाँ तो लेकिन अभी एग्जैक्ट जो वाटरफॉल है वो हमें नहीं दिख रहा है। पहाड़ों में लिटरली हर चीज अच्छी लगती है, देख रहे हो जहाँ देख लो मतलब क्रेजी सीन्स है। तो वाटरफॉल की टिकट लगेगी? कितने की टिकट? 20 रुपए। फाइनली वी अराइव्ड, यहाँ पे टिकट लेना पड़ा 20 रुपए का। तो जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से तकरीबन 1 घंटे का ड्राइव है, 10 किलोमीटर ही था, 40-50 मिनट लग गया क्योंकि भैया पहाड़ में थोड़ा टाइम लगता है ड्राइव करने में। तो चलो अंदर चलते हैं। पानी की सनसनाहट भरी आवाज से हमारा कान में जो ईयर गेजम आ रहा है, मतलब ये देखो पानी यहाँ से जा रहा है और हरी हरी वादियाँ हैं। और वाओ व्हाट अ क्रेजी सीन, सामने पहाड़ है एंड यही वाटरफॉल का पानी यहाँ तक आ रहा है। तो अभी जो है हमें और ऊपर जाना होगा एक्चुअल वाटरफॉल देखने के लिए। तो हाँ इधर फाइनली हम पहुंच गए एकदम वाटरफॉल एकदम करीब। वो कहते हैं ना आई वॉज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड आई फाउंड दैट प्लेस। ओके भाई साहब यार समटाइम्स ऐसे से जगह पर जब आता हूँ ना मैं तो एकदम सा इमोशनल हो जाता हूँ, दिल के दर्द धर्मा बया सब बह जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर आना चाहिए, जिंदगी में क्या है यार, किसी की टेंशन नहीं लो, फिर निकलो गाइस से निकल जाओ भाई, घूमो यार इंडिया बहुत चीजें यहाँ घूमने के लिए। ऐसे ऐसे जगह पे जाओ बैठो देखो फील करो। ऐसा नहीं है कि मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मैं जहाँ भी गया कैमरा निकाला अरे भैया ये देख लो भाई देख लो, यार मैं इस जगह पे आया ना, मैं ट्रिप पे जब से निकला हूँ जब जो जो जगह गया हूँ मैं पहले बैठा हूँ बहुत देर देर तक, मैं जगह को फील किया हूँ, चीज़ें देखा हूँ, अपने गम को दर्द को बहाया हूँ। कभी कभी मन करता है बैठ के रो लें, अपने दिल के जो भड़ास है वो निकाल दे। यहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं एकदम अकेला बैठा हुआ हूँ, फेस सुकून और मन कर रहा भी आधे, मैं आया भी तो यहाँ पे 25 से 30 मिनट एकदम फील किया, वाटरफॉल के पास गया, सारी चीज़ें क्या नो कैमरा वैमरा नहीं, थोड़े बहुत शूट किया जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को जो मेरी एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। तो ठीक है अभी सब लोग चले गए, मुझे भी जाना पड़ेगा वरना मुझे लोग छोड़ के भी जा सकते हैं। तो चलो फिर इसके बाद जहाँ चलते हैं वहाँ आपको लेके चलेंगे। बहुत बढ़िया जगह है भाई, इमोशनल हो गया थोड़ा सा पता नहीं क्यों, बस हो गया। हाँ भाई साहब हम लोग पहाड़ में आए तो थोड़ा सोचे यहाँ से कुछ शॉपिंग कर ले, शॉल वॉल ले रहे हैं। मैं ये वाला शॉल लिया हूँ कैसा लगता है पहाड़ों में, और ये वाला रील नहीं बना, रील बने तो इंस्टाग्राम पे आइएगा।
भाई साहब तो राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नारकंडा और रास्ते देख रहे हैं आप कितने पतले हैं और सीन्स देखें आप यहाँ के और आजाद हो गए गड़े में नीचे करा। तो भाई साहब अभी 4:30 हो रहे हैं और सीन देखो इतना ज्यादा कुहासा है, आई डोंट थिंक सो कि कैमरा इस चीज को जस्टिफाई कर पा रहा होगा, बट आंखों से ना कुछ देखो आगे तक का नहीं दिख रहा, एकदम कोहरा ही कोहरा। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में हम लोग बहुत ऊपर तक आ चुके हैं और अभी बहुत ऊपर जाना है, अभी 90 किलोमीटर और जाना है। तो भाई साहब अभी हम लोग एक जगह पे रुके हैं, मैं वो देखा यार ये क्या चीज़ की कवर अप्स है, तो वफा भाई ने बताया एक्चुअली एप्पल्स हैं। पहली बार भाई साहब मैं सेब इतने करीब से देख रहा हूँ, देख रहे हो यहाँ सेब है, यहाँ भी देखो सेब है, मतलब यार तोड़ने का मन कर रहा है, देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है। वाओ एप्पल ट्रीज पूरा कवर अप किया गया है, उसको पता नहीं क्यों कवर अप किया, डोंट नो द रीज़न। हम लोग यहाँ पे रुके हैं भाई साहब, फाइनली हम लोग पहुंच गए। मैं कार का हेडलाइट का फायदा उठाते हुए थोड़ा बहुत व्लॉग कर रहा हूं, आराम से पापा भाई आराम से, क्यों डरा रहे। तो गाड़ी अभी यहां पार्क होगी और हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं। रात का टाइम अगर दिखा दूं आपको तो टाइम हो रखा है 8:30 हो गया, देख रहे हो, और हम लोग यहाँ पहुंच गए। तो अभी जाते हैं चेकिंग करते हैं, फिर आगे का सीन आपको कल सुबह दिखाएंगे। तो हाँ जी भाई साहब, पहाड़ों में वफा भाई और आजाद भाई ने मिलकर 4.5 घंटे ड्राइव किया, जेबी वाटरफॉल से डायरेक्ट हम लोग इतने नॉन स्टॉप 4.5 घंटे ड्राइव किए। पीछे बैठा था फिर भी मैं थक गया गाड़ी का हेडलाइट का इस्तेमाल करते हुए मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अभी रूम चेकिंग करते हैं, सामान वामान निकालते हैं। तो हमें जी इस वक्त 11:18 हो गए हैं रात के और हम लोग फाइनली डिनर विनर एकदम मस्त कर लिए। तो अब मैं ब्लॉग एडिट करने वाला हूँ और सो जाऊंगा। और सबसे खुशी की बात पता है क्या है यार, इस वाले रिजॉर्ट में, इस वाले कैंप में ना वाईफाई है, तो मतलब कल मैं सुबह एक ब्लॉग अपलोड करूंगा जो कि डे 1 का होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग, आई होप यू ऑल एंजॉयड अ लॉट इन दिस वीडियो। तो कुछ भी ऐसा पसंद आया होगा तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, थोड़ा अगर कुछ खराब लगा होगा तो वो भी बताइएगा ताकि मैं अगले व्लॉग में इंप्रूव करूं। तो आज हम लोग यहीं नारकंडा में रुक रहे हैं और कल यहां जो रुके हैं यहां का तो अभी तक आपने व्यू देखा ही नहीं, हम तो यहां रात में पहुंचे हैं। तो अब यहां का जो शुरू होगा वो डे 3 में शुरू होगा, कल हम आपको दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब कर देना और इस पे एक प्यार से कमेंट कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पे जरूर से आ जाइएगा मेरे, ठीक है। इंस्टा पे मैं बहुत सारे करंट अपडेट्स, रील्स, छोटे वीडियोस डालते रहता हूं। तो अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, हमजा मतुगा साइनिंग ऑफ, बाय।